हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता आपका होम्योपैथिक एनलाइटेंड में स्वागत करता हूं। जैसे हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ रूब्रिक समझाते हैं, तो आज एक और नया रूब्रिक ले समझने की कोशिश करेंगे, टेमेरिटी, क्योंकि इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है ऑडेसिटी। तो टेमेरिटी का जो सूक्ष्म, इसको कहते हैं गुस्ताख व्यक्ति, लेकिन इसकी गुस्ताखी जो होती है थोड़ी सी मूर्खता के कारण होती है, जो कि ये अपने अंदर इसको लगता है कि बड़ा आत्मविश्वास से भरा होता है, लेकिन पूरा आत्मविश्वास समझदारी वाला नहीं होता, थोड़ा सा मूर्खता वाला आत्मविश्वास इसके अंदर होता है, इसलिए हमेशा ये बदतमीजी जैसी हरकतें करता है। वैसा करने से, इसको ऑफ कर लू लाइट को, बदतमीजी ऐसे करने से पहले कुछ नहीं सोचता है कि उसका ऐसा करना या उसका उसका कुछ, जो भी कुछ कर रहा है वो, जो उसने हरकतें की हैं या हरकतें करने की सोच रहा है, कि वो प्लानिंग करके नहीं करता है। उसको अचानक हो जाता है, उसके दिमाग में जैसे एक पागलपन, एक जुनून सवार हो जाता है ना कि मुझको तो ये करना ही है। तो उसके परिणाम क्या होंगे, उससे कितना खतरा होगा, उसको कितना नुकसान हो जाएगा, वो ऐसे नहीं होता, कुछ जिद नहीं होती है उसको, लेकिन उसके अंदर ही कोशिश होती है कि मैं जो कुछ होगा उसको भुगतूंगा, उसको देखा जाएगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी एक खतरे को सहने के लिए वो तैयार होने की उसकी मेंटेलिटी होती है, तैयार होता है वो। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझें, कोई छोटा आदमी है तो अपने बॉस का ही ऑर्डर नहीं मान रहा है, बॉस को ही कुछ ना कुछ बोल देता है, उसको ये समझ ही नहीं आ रही कि मैं बॉस को अगर ऐसे बोलूंगा तो कल को बॉस ही मेरे मुझे नौकरी से निकाल लेगा, मुझको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, तो यानी इसमें नुकसान मेरा है। तो ये कोई बहादुरी नहीं है, ये मूर्खता का लक्षण है। दूसरा, अगर एक और एग्जाम्पल ले लेके समझने की कोशिश करते हैं, तो एक लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से बैठी हुई है। अब उसकी सहेली आती है, इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है, मजबूत है, लेकिन दूसरी सहेली आती है ऐसी कि वो बहुत सुंदर है। अब कुछ बातचीत करने के बाद वो बॉयफ्रेंड को ही कहती है कि भाई आप इसको छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मैं आपको एंजॉय करूंगी, ये करेंगे, आप मेरे से दोस्ती कर लो, मैं आपके साथ, मतलब उसको ये समझ नहीं आ रही है कि तेरी सहेली है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है। तो इस किस्म की हरकतें करना एक तो बदतमीजी में आता है, और दूसरा ऐसी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के बॉयफ्रेंड को उसी के सामने ये ऑफर दे के तो इसको छोड़ के मेरे साथ आ जा, तो ये गुस्ताखी में आएगा, मूर्खता में आएगा। लेकिन ये उसने ऐसे क्यों किया, वो ऐसा इसलिए कर रही है कि उसको अपनी ब्यूटी पे कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी लड़के को फंसा सकती हूँ, कोई भी लड़का और मेरे लिए और दूसरी लड़कियों को छोड़ देगा, तो ये मूर्खता का लक्षण है। तो इसको टेमेरिटी बोलते हैं हम लोग। तो यानी इसको एक समझ ही नहीं आ रही होती कि उसकी हरकत से दूसरे लोगों पे क्या असर पड़ने वाला है, मतलब समझने की ताकत ही नहीं होती है उसमें। और लेकिन दूसरा जो ऑडेशियस व्यक्ति होता है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता वर्ड है ऑडेशियस, जो ऑडेसिटी वाला व्यक्ति होता है वो बहुत समझदार होता है, उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है उसको अपने ऊपर कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, चाहे सारा समाज भी इसका विरोध करेगा फिर भी वो करेगा, और आखिर में वो सही साबित होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों शब्दों में, टेमेरिटी मूर्खता बड़े फैसले हैं और ऑडेसिटी समझदारी और आत्मविश्वास से भरे फैसले हैं। अब जैसे आप समझिए इसको, जैसे किसी समाज है, उस समाज में मान्यता है कि जो मीजल्स निकलते हैं, खसरा वगैरह, तो वो देवी का प्रकोप है, उसमें दवाइयां नहीं खिलानी चाहिए, ऐसे बहुत सारे समाज मानते हैं, या दवाई खिलाने से देवी नाराज हो जाती है, पर इससे नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों का। तो लेकिन जो ऑडेशियस आदमी है वो, उसने अपने बच्चों को सारे समाज के विरोध के बावजूद भी सारे इन बीमारियों से बचने के सारे टीके लगवाए, और एक बच्चे को अगर हो गया तो उसको दवाई भी दिलाई, और उसका बच्चे स्वस्थ है, बाकी और लोगों के कईयों के इस बीमारी से ग्रस्त रहे। तो इसने सारे समाज के विरोध में जाके भी ये फैसला लिया कि इन बीमारियों से बचने के लिए टीके लगवाना जरूरी है, और समझदारी वाला फैसला, तो ये सुखी रहा। अब एक अपने क्लिनिक से इसको केस को लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो हमसे सीधा हमारे मुंह पे ही बोल देते हैं कि भाई आप तो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, इतनी फीस क्यों मांग रहे हो, इतने तो बड़े से बड़े एलोपैथ भी नहीं लेते, ऐसे बहुत सारी बेवकूफी भरी बातें। तो उसको ये समझ नहीं आ रही है कि मैं जिस डॉक्टर से इलाज करा रहा हूं, तो मैं तो इससे इलाज कराने के आया हूं, तो मुझको तो इसकी फीस देनी देनी है, या ऐसी बदतमीजी से मैं इसके साथ बोलूंगा, इसका अपमान करूंगा, तो ये मेरा इलाज कैसे करेगा, ये तो नाराज होगा सीधा साधा मेरे से। पर उसको इन बातों की समझ नहीं होती है, बस उसने कर दिया।
अब ये टेमेरिटी जो शब्द है हमारे रिपर्टरी में यूज हुआ है दो रूबरिकों में, एक तो टेमेरिटी के अंदर और दूसरा टेमेरिटी टू गेट ए किक। तो टेमेरिटी के अंदर सिर्फ पांच दवाइयां, एगेरिकस, आर्निका, ओपियम, रेक्स ग्लेबरा और स्टेफिसगेरिया। तो ये पांचों ही दवाइयां ऑडेसिटी में भी दे रखी हैं, यानी इसका मतलब यह है कि ये पांचों दवाइयां पहले समझदारी से काम करती थी, किसी स्टेज में समझदारी से काम करती थी, पर हालात के बदलने से अब ये मूर्खतापूर्ण काम करने लग गई है, यानी इतना फ्रस्ट्रेट हो गई है कि इनको बस कुछ करना है चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, सारी समझदारी जैसे एकदम खत्म हो गई। अब जो रूब्रिक है एगेरिकस का, इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है एगेरिकस, उसको समझते हैं कि आखिर वो इतनी टेमेरिटी क्यों दिखाता है। तो एगेरिकस का जो व्यक्ति होता है वो स्वयं को थोड़ा सा महान समझता है, तो जब महान समझेगा तो उसको अपनी अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा होगा कि मैं ये कर सकता हूं। तो जब महान है, अपने आप को महान समझने का मतलब है, तो इसका मतलब है जो उसके सामने हालात हैं, जो सामने व्यक्ति है, जो परिस्थिति है, जो फैसला करके वो कार्य करने वाला है, उसका परिणाम क्या होगा, ये समझने की ताकत उसमें नहीं होती, यानी एक इम्बिसाइल किस्म का मंद बुद्धि का व्यक्ति होता है, पर समझता अपने को महान, ये उल्टा मैच है, तो ये सही फैसले नहीं कर पाता ये। तो इसलिए अगर किसी से बदला भी लेना होगा तो इसको समझ ही नहीं आएगी कि जिससे मैं बदला लेने वाला हूं वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, यानी वो तेरे को चुटकियों में मचल के रख देगा, तेरा नुकसान करेगा, तो लेकिन उसी के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना बैठेगा, तो रिवेंजफुल एक बिग प्लान बनाता है। अब दूसरा अगर लेते हैं घरेलू एग्जाम्पल, अब एक घर की बहू है, उसमें एक नंद है, तो ऑब्वियसली हमारे परिवार में नंद का महत्व बहू से ज्यादा होता है, वो भी अनमैरिड का, तो घर वाले उसको ज्यादा महत्व देते हैं लाड़ प्यार की वजह से, लेकिन बहू को बात बात में टोक देते हैं, जबकि बहू डॉक्टर है, समाज में उसकी चलती है, तो अब उसको ये लगता है कि ये मेरे को कोई इग्नोर कर रहे हैं, तो इसलिए वो सबके सामने ये फैसला कर लेते हैं मन में कि मैं इन सबको अपमानित करूंगी, तभी इनको अकल ठिकाने आएगी, तभी मेरा महत्व समझ आएगा। तो जब सारे मेहमान घर में इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त ये नंद को, सास को, वो जितने भी लोग वहां बैठे हैं सबके सामने कुछ ना कुछ उनकी बुराइयां शुरू कर देती है, अपने साथ वो क्या कर रहे हैं सब बताना शुरू कर। अब उसको समझ ही नहीं आ रही कि ये फैसला अगर सबके सामने वो करके उनको बताएगी, उनका अपमान करेगी सबके सामने, तो सास और नंद वगैरह इसकी इज्जत करेंगे या उल्टा और इसकी नजरों से गिर जाएगी, तो उसका परिणाम भी आखिर में हुआ यही कि उसकी नजरों से गिर जाती है। पर इसको समझ नहीं आई थी कि मेरी हरकत का असर क्या होगा। अब एक और मेडिसिन है स्टेफिसगेरिया, जो ऑडेसिटी में भी है, तो इसकी टेमेरिटी को समझने की कोशिश करेंगे, तो स्टेफिसगेरिया बहुत ही जस्टिस न्याय पसंद बनती होता है, ये किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। तो इसमें एक पेशेंट हमारे पास है, उसका एग्जांपल कि उसके घर वाले उसको घर पे बिठा के गए कि भाई तू घर पे रहियो, हम सभी थोड़ी देर में मार्केट होके आ रहे हैं, तू हमारा इंतजार करियो। अब वो दो घंटे के लिए कह के गए थे लेकिन वो छह घंटे तक भी नहीं आए, तो इससे इसको रहा नहीं गया, इंतजार किया और आखिर में से छह घंटे के बाद ये घर का ताला लगा के अपने काम पे निकल गया। अब पीछे से घर वाले आए, उन्होंने ताला देखा, न चाबी थी, वो सड़क पे खड़े रहे कई घंटे। तो जब ये आए तब ये वो सब इसके ऊपर बरस पड़े कि ये तूने क्या किया, तो इन्होंने कहा कि मेरी कोई गलत, सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। तो आखिर में जब उसका गुस्सा एकदम भर गया तो एकदम तेजी से फटा हुआ कि गलती तुम्हारी है, तुम्हें मेरे को सूचना देनी चाहिए थी, मैं तो छह बजे तक इंतजार किया, तुम चार बजे तक थे तो तुम्हें बताना चाहिए, तो उल्टा मेरे पे क्यों भड़क रहे हो। तो वो इनजस्टिस सपोर्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये जो मैं एकदम अचानक से गुस्सा कर बैठा हूं इन लोगों के ऊपर, तो इसका परिणाम क्या होगा, ये तो मेरे संबंध ही खराब हो जाएंगे। तो ये इस किस्म से चीजें चलती हैं, यानी बदतमीजी और बेवकूफी के कारण ही चलती हैं। कितने मिनट हुए हैं? तो अब इसको दूसरा रूब्रिक हम समझते हैं, इसी से जुड़ा हुआ, टेमेरिटी टू गेट ए किक। इसके अंदर भी चार मेडिसिन है, ऑरम म्योर नेट्रोमेटनेटम, ऑरम सेल्फ, मेडोराइनम और प्लेटिनम। अब किक माने क्या होता है, यानी इसका हिंदी सब अगर पहले रूब्रिक को समझने के लिए उसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, यानी अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका मतलब होता है कि वो एकदम किसी तरह की उछाल
किसी तरह की प्रसिद्धि, किसी तरह की प्रगति, किसी तरह का परिणाम पाने के लिए वो कुछ चीज चाहता है, कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे ये उसको डिजायर्ड रिजल्ट तुरंत मिल जाए। उस जैसे समझिए किक मतलब क्या होता है, जैसे फुटबॉल प्लेयर है वो जोर से किक मारता है, वो सीधा गोल में जाके गिरती है, यानी किक के द्वारा गोल करता है वो। या इसमें दूसरा मतलब होता है किसी का विरोध करता, बहुत जबरदस्त विरोध प्रकट करना भी होता है। जैसे बच्चा होता है छोटा, जिद्दी बच्चा होता है, कई बार वो नाराज होता है तो वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ अपने हाथ पैरों से गोद में लेने वाले को मार रहा होता है, यानी किक मार रहा होता है वो कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को गोदी में मत उठाओ। अब दूसरा और भी होता है, जो छोटे बच्चे नहीं है लेकिन बड़े हैं, विरोध वो भी प्रकट करना चाहते हैं। अब हॉस्टल की कंडीशंस बहुत खराब, तो वहां उनको विरोध करने का तरीका वो सहते रहे, लेकिन अब उन्होंने बहुत ही ज्यादा नारेबाजी की, मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किए, तोड़फोड़ की, इसलिए कि भाई आप, यानी वो एक किस्म से मैनेजमेंट को किक मार रहे हैं कि तुम ये करो नहीं तो हम ये करेंगे। पर उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस तरह से मैनेजमेंट हमसे दबाव में नहीं आएगा, हमारा नुकसान होगा। अब दूसरा एक और मरीज आता है, उसको पैर में बहुत सीवियर दर्द रहता है। अब उसको लगता है कि यार इलाज कराने में टाइम लगेगा तो इससे अच्छा इसको कटवाई दो, तो वो तो अपना पैर ही कटवा देता है। पर उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि पैर कटवाने से तो तेरी जिंदगी भर के लिए तो अपाहिज हो गया, इलाज कराएगा तो कुछ ना कुछ पैर सही होने की संभावना है, तो फिर जिंदगी चल सकती है आराम से, पर ये नहीं समझ आता इसको। एक और उदाहरण अगर हमने, एक कॉलोनी है तो बहुत रिच लोग है, उसको एक भूत सवार होता है कि मैं भी प्रसिद्ध होता हूं, मेरे को तो कोई जानता नहीं, तो वो अपना ऐसे चैरिटी काम करता है तुरंत ही उसको फैसला लेते ही कि इतने सारे चैरिटी के काम कर देता है कि उसकी सारी जमा पूंजी निकल जाती है। मशहूर तो वो हो गया लेकिन फिर दर दर का भिखारी हो गया, आगे उस काम को, चैरिटी वाले काम को जारी नहीं रख पाया, तो ये भी बेवकूफी भरा फैसला है। तो इसका मतलब है कि जो किक है, ये रूब्रिक है, इसमें अचानक शब्द का बहुत महत्व। तो कोई भी ऐसी चीज करना, ऐसी हरकत करना, ऐसी क्रिया करना कि जिससे उसके कैरियर में उसको उछाल आ जाए, यानी उसको रिजल्ट एकदम तुरंत मिल जाए, तो उसको किक कहते हैं। अब जैसे एक सिंपल सा बंदा है, वो मशहूर होना चाहता है इलाके में, तो उसने जाके सीधा अपने जो बदमाश इलाके का जो बड़ा मशहूर बंदा, उसी से झगड़ा कर लिया, उसी की पिटाई कर दी, आखिर में उन लोगों ने उसको बहुत मारा। तो पर ये मशहूर हो गया, इसको समझ नहीं आई कि आखिर में मेरा हाल क्या हाल करेंगे ये। तो ये उस उछाल के लिए, प्रसिद्धि के लिए उसने ऐसा हरकतें करी बिना सोचे समझे। अब दूसरा वही जिससे बताया था कि मान लो एक बहू है, अब वो चाहती है कि ससुराल में मेरा दबदबा एकदम बन जाए, अभी तक मैं सहती रही, अब नहीं सहूंगी ताकि मेरा भी सम्मान बने, तो सबके सामने सास नंद जो ससुर सबसे भिड़ने लग गई कि जैसे लगे कि भाई ये अब मेरा रौब चलेगा। पर रौब इस तरह चला नहीं ना उसका, तो वो फिर नुकसान हो गया। अगर और एक एग्जाम्पल लें, एक हीरोइन है, अब हीरोइन चाहती है कि मैं एकदम तेजी से मशहूर हो जाऊं, तो एक बड़े बैनर की उसको फिल्म मिली और उसने सारी शर्तें निर्माता की मान ली, बोल्ड सीन करना, सब कुछ करना, उसको ये समझ नहीं आया कि मैं अगर इस तरह से सीन करूंगी तो कल को मेरी प्रसिद्धि पे क्या असर पड़ेगा, पर उसको मशहूरी का भूत सवार, तो तुरंत उसने ये फैसला किया। तो इस तरह तुरंत फैसले लेने के व्यवस्थापूर्ण काम करना, ये टेमेरिटी किक, टेमेरिटी टू गेट ए किक रूब्रिक का मतलब होता है। अब इस वीडियो को आप बार बार देखें सुने, और ये इसको सबके साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी कभी ना भूलें, ताकि ये वीडियो हर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुंच जाए और वो अपने क्लिनिक में इसको लगा सके। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।